फ्रेंड्स, वेलकम टू हितेश रिस किचन। आज हम लोग मैंगो रोल बनाएंगे। उसके लिए मैंने एक पका हुआ आम लिया है और थोड़ा सा नींबू का रस लिया है, और मैंने 4-5 चम्मच पीसी हुई चीनी ली है, थोड़े से लौंग लिए हैं, थोड़े से पिस्ता की कतरन ली है और छोटी इलायची का पाउडर लिया है। सबसे पहले मैंने 1 लीटर गाय का दूध लेके उसे गर्म करने रखती हूँ। इसका हम पनीर बनाएंगे। गाय का दूध का पनीर बहुत ही अच्छा बनता है। अगर आपके पास गाय का दूध ना हो तो आप कोई भी दूध ले सकते हो। और पनीर बनाने के लिए नींबू का रस या नींबू के फूल या विनेगर आप किसी से भी बना सकते हो। है मैंने गैस बंद कर दिया है और अभी ये थोड़ा थोड़ा नींबू का रस डाल के इसे दूध को मैं फाड़ लूंगी। आप देख सकते हो कि दूध हमारा ठीक से फट चुका है। अब मैं इसे एक छलनी में मलमल का कपड़ा रख के इसे छान लूंगी। ये जो पनीर का पानी बचता है उसे फेंकना नहीं चाहिए, वो बहुत ही हेल्दी होता है। उसे आप किसी भी ग्रेवी में या दाल में या आटा गूंदने के लिए यूज़ कर सकते हो। मैं ये पनीर को ठंडे पानी से धो लूँगी। ताकि नींबू के रस का टेस्ट निकल जाए। इसे मैं आधे घंटे के लिए छोड़ दूंगी। मैंने एक आम लिया है, उसे मैंने छिलका निकाल लिया है और मैं एकदम शार्प नाइफ से ये पतले पतले स्लाइसेस बना लूंगी।
आधा घंटा हो चुका है, और मैं इसे निकाल लेती हूँ। और हाथों से मसल लेती हूँ। देख सकते हो पनीर हमारा एकदम स्मूथ हो गया है। इसमें मैं पिसी हुई चीनी डाल रही हूँ 2 चम्मच। आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हो। और जो ये छोटी इलायची का पाउडर है वो डाल रही हूँ, जो 1 चुटकी है, और इसे अच्छे से मिला लूँगी। थोड़ा सा लेके मैं इसका सिलेंडर जैसा शेप बना के रख दूंगी। ऐसे सारे ही बना लूंगी। सारे बना लिए हैं। और सबसे पहले मैं ऐसे जो हमने मैंगो की स्लाइस की है वो लेके इसे बीच में रख के ऐसे बंद कर दूंगी, और ऊपर से एक लौंग लगा दूंगी। मैंने रोल रेडी कर लिए हैं, और मैं पिस्ता के कतरन से उसे गार्निश कर लूंगी। आप देख सकते हो कि स्वीट हमारी रेडी है। मैंगो रोल ये जितना दिखने में ब्यूटीफुल है, खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।